महानगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर निगम के मनोनीत पार्षदों के साथ नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निगम परिसर में स्थित अतिथि गृह में बैठक की और महानगर के विकास के संबंध में चर्चा की। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम मनोनीत पार्षदों के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया, जिसमें वर्तमान में स्ट्रीट लाइट, सड़कें, साफ सफाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा किया गया, जिसको लेकर तय हुआ कि जनमानस के समक्ष किसी तरह की समस्या ना आने पाए। उन्होंने बताया कि महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम के सभी पार्षदगण अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, साथ ही 32 गांव जो नगर निगम में शामिल हुए हैं उनके विकास की समीक्षा किया गया। साथ ही पार्षदगण द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर गोलघर बाजार को एक रंग में रंगने के साथ ही सभी शाइन बोर्ड एक साइज में लगवाया जाएगा। साथ ही पूरे बाजार में डस्टबिन रखवाया जाएगा, जिससे कूड़ा करकट बाजार में ना फैलने पाए और उसके निस्तारण करने में कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में पार्षदगणों ने कहा कि हम व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ बैठक कर इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। इस दौरान नगर निगम द्वारा मनोनीत 10 सदस्यीय पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, समाधान किया जाए, उनको मोट किया जाए और मिलकर जो है शासन की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनमानस तक पहुँचाए। जैसा कि आपके संज्ञान में है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गोरखपुर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए 10 माननीय पार्षदगण को नामित किया गया है। आज उन्हीं समस्त नामित पार्षदगण की यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्षदगण ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी आम जनमानस की, उनको लेकर हमारे सामने रखा और उसमें एक बहुत ही अच्छे माहौल में एक बहुत अच्छी बैठक हुई, जिसमें कि सभी पार्षदगण ने अपने क्षेत्र की जो करंट समस्याएं थी, जैसे किसी ने विद्युत की, स्ट्रीट लाइट की, हाई मास्ट की, जल प्लावन की, स्ट्रीट की, सफाई की, विभिन्न मांगों को रखा। और जैसा आपके भी संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरे शहरी क्षेत्र में, पूरे नगर निगम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जनमानस के सम्मुख नहीं आनी चाहिए, और उसमें नगर निगम माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहा है उसमें हमारे सभी जो पार्षद हैं उनके साथ साथ हमारे जितने नामित पार्षदगण हैं वो भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और इसी के कड़ी में जो हमारे 32 गाँव हैं जो कि अभी नगर निगम के विस्तारीकरण के क्रम में हमारे नगर निगम की सीमा के भीतर आ गए हैं, नगर निगम में शामिल हो गए हैं, उसके संबंध में भी इन माननीय पार्षदगणों को उन ग्रामों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ है। और अब हम लोग इसके बाद इस पूरे जो विचार विमर्श को माननीय मेयर साहब के सम्मुख में रखेंगे। इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है कि जो हमारा गोलघर पूरा मार्केट है, उस पूरे गोलघर मार्केट को हम लोग लखनऊ की तर्ज पर, हजरतगंज की तर्ज पर पूरे एक कलर से पूरे मार्केट को रंगवाया जाए और उस पर जो है एक जैसा साइन बोर्ड लगा रहे, उसके सामने एक अच्छी सी डस्टबिन रखी जाए, जिससे कि जो कूड़ा है दुकान से निकले और सीधे डस्टबिन में जाए, और हमारी जो गाड़ियां वहां पर 3 बार जा रही हैं तुरंत उस कूड़े को उठाकर उसको डिस्पोजल प्लेस पर ले जाए। कहने का तो इसमें जो हमारे नामित पार्षद महोदय हैं उन्होंने यह एश्योरेंस दिया है कि वो इस संबंध में जो हमारे व्यापार मंडल के साथीगण हैं उनके साथ वार्ता कर लेंगे और हम लोग सब लोग बैठ के अतिशीघ्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है इसको हम लोग मूर्त रूप प्रदान करेंगे। तो आज की ये बैठक मुख्य रूप से नगर निगम के
जो क्षेत्र में सफाई, पानी, बिजली, अन्य समस्याओं को लेकर थी। बहुत ही सार्थक बैठक हुई और मैं इसके लिए, इस बैठक में सहयोग प्रदान करने के लिए सभी नामित पार्षदगण को धन्यवाद भी देता हूँ।